हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2021-22 के दोस्तों जो है थर्ड मैच की मैच परीक्षण, जो थर्ड मुकाबला है खेला जाएगा दोस्तों आपका कोमिला विक्टोरियंस वर्सेज सिलहेट सनराइजर्स के बीच, और जो मुकाबला होगा 22 जनवरी के दोस्तों दोपहर 12 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में। तो दोनों टीमों के प्लेयरों पर डालू और देखो किसी की बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग है, किसी में गेंदबाजी। तो सबसे पहले अगर मैं कोमिला विक्टोरियंस की बल्लेबाजी पर डालू तो बस कैमरन डेलपॉट, फैब डुप्लेसिस, इमरुल काइस, एम हसन जॉय, ममनुल हक जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, करीम जन्नत, मोइन अली, सुनील नारायण जैसे बल्लेबाज हैं, कुशल मेंडिस जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों, लेकिन वो खेलेंगे नहीं क्योंकि श्रीलंका में बिजी हैं। ओके गाइस, और वहीं अगर मैं सिलेट सनराइजर्स की जो है बल्लेबाजी पर डालूँ तो वह कॉलिन इंग्रम, लैंडन सिमंस, एन चौधरी, आलोक कपाली जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, और अंजलो परेरा जैसे प्लेयर हैं, रवि बपारा जैसे प्लेयर हैं, डेवन थॉमस जैसे प्लेयर हैं, दिनेश चंदीमल जैसे प्लेयर हैं, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पड़ा भारी की बात करूँ तो पड़ा तो दोस्तों मुझे कोमिला विक्टोरियंस का पड़ा भारी लग रहा है। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी में डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोमिला विक्टोरियंस की गेंदबाजी में डालूँ तो उनके पास मुस्तफिज रहमान, फेज़ ए हैदर, शाइफुल, जो दूसरे गेंदबाज है दोस्तों वह हैं शरीदुल इस्लाम जैसे गेंदबाज हस्त, और आपका तनवीर इस्लाम जैसे गेंदबाज हैं, सुनील नारायण जैसे गेंदबाज है दोस्तों इस टीम में, करीम जन्नत जैसे गेंदबाज हैं। वहीं अगर मैं दोस्तों जो दूसरी टीम है सिलेट सनराइजर्स उसकी टीम पे गेंदबाजी पे न डालूँ नदरतुल्ग, कैसरिक विलियम, तश्कीन अहमद, एन इस्लाम, जे हुसैन और दोस्त अलमिन हुसैन जैसे गेंदबाज हैं। तो अगर मैं पड़ा भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों कोमिला विक्टोरियंस का पड़ा भारी लग रहा है। और ये जहाँ मुकाबला हो रहा है दोस्तों, अगर उसकी पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो उसकी पिच रिपोर्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार है, जो शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में जब T20 मैचेस हुए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, तो उसकी पिच रिपोर्ट मैं आपको बताता चलूँ तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल मैचेस 57 हुए हैं, 28 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली ने, 29 जीते हैं बाद में बैटिंग करने वाली ने। एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट बैटिंग करके 145 रन का होता है। हाईएस्ट स्कोर इंटरनेशनल T20 में दोस्तों बांग्लादेश ने बनाया था 211 रन 4 विकेट खोके, और लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का है 60 रन पे ऑल आउट हो गई थी। वही अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 से ज़्यादा का स्कोर 34 बार बना है, और 150 से 169 का स्कोर 9 बार बना है दोस्तों, और साथ ही साथ 170 से 189 के बीच का स्कोर दोस्तों बना है यहाँ पे 5 बार, और 190 से ऊपर का स्कोर 9 बार बना है। T20 डोमेस्टिक यानी कि जैसे ये जो लोकल बांग्लादेश के मैच होते हैं जैसे BBL और बाकी जो लोकल BPL और बाकी जो लोकल होते हैं उनके डोमेस्टिक मैचेस की T20 मैचेस की बात करूँ तो 189 डोमेस्टिक T20 मैचेस खेले गए, 90 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली ने, 98 जीते हैं बाद में बैटिंग करने वाली ने। तो चेजिंग प्रेफर रहती है यहाँ पर, चेज हो जाता है स्कोर, और एक बार एक मैच टाई रहा है T20 डोमेस्टिक में। तो वहीं अगर मैं दोस्तों एवरेज स्कोर की बात करूँ डोमेस्टिक में तो एवरेज स्कोर जो है T20 डोमेस्टिक में वह है 150 रन का। हाई स्कोर जो है मिनिस्ट्री ग्रुप ऑफ राजशाही ने बनाया था 220 रन 7 विकेट के नुकसान पे, और लोएस्ट स्कोर 44 पे ऑल आउट हो गई थी खुलना टाइगर्स। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 रन बने हैं 89 बार, 150 से कम का स्कोर बना है 89 बार, 150 से 169 का स्कोर बना है 45 बार, 170 से 189 का स्कोर बना है 33 बार, और 190 से ऊपर का स्कोर 22 बार बना है। और दोस्तों की प्लेयर की बात करूँ कि कौन कौन परफॉर्म कर सकता है दोनों टीमों से, तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों टीमों से जो परफॉर्म कर सकते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों आपका फैब डुप्लेसिस, करीम जन्नत, मोइन अली, कोमिला वॉरियंस की तरफ से सुनील नारायण भी, और सिलेट की तरफ से आप लैंडन सिमंस, कॉलिन इंग्रम को लीजिएगा, कॉलिन इंग्रम परफॉर्म कर सकते हैं, रवि बपारा काफ़ी अच्छे फॉर्म में है डोमेस्टिक क्रिकेट्स में, तो ये परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक परीक्षण ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर उस परीक्षण ऐप के लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, पढ़ करें आपको क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनके वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएगा। और सेशंस और फैंटेसी टीम्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, सेशंस और फैंटेसी टीम्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मेरे टेलीग्राम में दे दी जाती है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि
जिस तरीके से कोविड फैल रहा है उस तरीके से कभी भी किसी प्लेयर को करोना हो जाता है तो एंड मौके पे अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो उसकी मैच परीक्षण आपको जो मेरे फाइनल मैच परीक्षण जो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी अगर कुछ चेंज हुआ तो दोस्तों, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं कि अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल प्लेयर की अवेलेबिलिटी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आया है, तो अगर उसके बारे में अगर कोई मैच प्रेडिक्शन चेंज होती है तो उसकी जो अपडेट है टेलीग्राम में आपको दी जाएगी। और एक बात और बताता चलूँ दोस्तों कि बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनल्स बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो, उसके अलावा आपको कहीं पर कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों पहले मेरी वीडियोस देखी और सब्सक्राइब नहीं किया, या तो मेरी वीडियोस देखते हैं या तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी मैचेस की मैच प्रेडिक्शन मिलती है वही बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस के साथ। और दोस्तों एक बात और आपको बताऊं कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो कभी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, इससे चांसेस है कि आप जो है मेरी वीडियो मिस भी कर दें, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी कोमिला विक्टोरियंस। जी हाँ दोस्तों, कोमिला विक्टोरियंस ही मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।